हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि जब मैं गोल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन करवाने गई थी तो मैंने अपनी बेटी को आटा लगाना कैसे सिखाया था, क्योंकि उसको आटा लगाना नहीं आता था। रोटियां बहुत अच्छी बनाती थी वो, पर आटा लगाना नहीं आता था। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मैंने आटा लगाना उसको कैसे सिखाया, तो ये देखिए मेरे गोल ब्लैडर में से ये 18 mm का स्टोन था और ये निकाला, तो बहुत पेनफुल था ये। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैंने उसको आटा लगाना कैसे सिखाया बेटी को, तो ये देखिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में आटा ले लिया है। तो जितना आटा हमें चाहिए उतना ही आटा ले लेना है हमें। तो मैं ये 4 लोगों के लिए आटा लगाना बता रही हूँ उसको। तो यहाँ पे हमने आटा ले लिया, इसमें थोड़ा सा हमने नमक डाल लिया है और अब लेंगे एक पानी का ग्लास। तो फ्रेंड्स, हमें पानी ना एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डालना है। आटा लगाना हमको सभी को आता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनको नहीं आता है आटा लगाना। फ्रेंड्स, आप सोचोगे कि आटा तो हम सभी लगा लेते हैं, लेकिन जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने भी ऐसे ही सीखा था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए धीरे धीरे हमें इस तरह से पानी डालते जाना है और आटा लगाना है। सारा पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे ही पानी डालना है। और अगर आटा बहुत पतला हो जाए, पानी ज़्यादा डल जाए, तो हमें इसमें आटा थोड़ा सा और डाल लेना है। और अगर हमारा आटा जो है टाइट बने तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। इसी तरह से हमें आटे को लगाना है। ये देखिए हमने आटे को इकट्ठा कर दिया थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा पानी डाला है हमने। तो इस तरह से आटा लगा लिया हमने, और मेरी बेटी पास में खड़ी हुई थी, मैं उसको इस तरह से बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसे करना है। अब हमने आटे को इकट्ठा करके और इसको रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए, और तब तक हम सब्जी वगैरह काट लेंगे और इसको ढक कर रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट के बाद आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, और इसको हमें अब ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आटा लगाकर हमने सूखा इसको मसल लेंगे। और पहले जैसे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे आटे के साथ, उस तरह अब नहीं करना है। अब इस तरह से हमें 5-7 मिनट के लिए आटा इकट्ठा करके छोड़ देना है, और हथेली की सहायता से ऐसे मसल कर इसको लगा लेना है अच्छे से। अब इसके ऊपर पपड़ी ना पड़े, उससे पहले हमें थोड़ा सा घी डालकर हाथ पे और इसको मसल कर रख देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिससे आटा हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और चिकना रहेगा, रोटियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। तो इस तरह से मैंने उसको आटा लगाना बताया। और आटा लगाने के बाद फ्रेंड्स, कभी भी हमें ना आटे को बिल्कुल प्लेन गोला बनाकर नहीं रखना है, उस पर अंगुलियों की छाप जरूर छोड़ना है। इस तरह से हमें कभी भी नहीं रखना है, इस तरह से अंगुलियों की छाप छोड़नी आटे पर आटा लगाने के बाद। और अब इसको बनाएंगे हम रोटी। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनेंगी, बहुत अच्छी रोटियाँ बनेंगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए हमने आटे को लगाकर छोड़ दिया था, जब तक हमने सब्जी वगैरह की तैयारी कर ली। और ये देखिए मैं आटे की रोटी बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने अपनी बेटी को आटा लगाकर बताया था, और फिर वो जब मैं ऑपरेशन करवा के आई थी तो ईजिली आटा लगाकर रोटियां बनाकर तैयार कर लेती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं। किचन में एक्चुअली बहुत सारा काम सीखना पड़ता है बच्चों को, इसीलिए वो बोली कि मम्मा मुझे आटा लगाना नहीं आता, तो प्लीज़ आप सिखा दीजिए। तो इस तरह से मैंने अपनी बेटी को आटा लगाना सिखाया, और रोटियां तो वो बना ही लेती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।